Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel SRB Handmade Creations. As you can see कि एक beautiful jar आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने घर में मौजूद empty jars को use कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक empty jar है, आप इसको कैसे utilize कर सकते हैं. सबके घर में empty jars मौजूद होते हैं तो आप उनको कैसे use कर सकते हैं for decoration, for anything, तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगी. जैसे कि आप देखें कि मेरे पास कलर्स पड़े हुए हैं, शिमर पड़ा हुआ है, हम इनको इस पर यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी आज. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ये पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो इस पर ग्लास पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बच्चे यूज़ करें तो वो ट्राई करें कि ये पोस्टर कलर ही यूज़ करें. आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक कि ये कॉम्बिनेशन सूट करेगा. अब मैं ये शिमर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी. आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहे तो करें, नहीं करते तो एज यू विश. ज़्यादा नहीं करना. अब मैं दूसरे कलर को अप्लाई करूँगी. आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर यूज़ करें. एक्चुअली हमारे घर में इतने जार्स पड़े होते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आती कि कहाँ यूज़ करें, तो हम उनको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं. तो हम इन जार्स को अपने घर में एज अ डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं, इनको सेट करके, इनको डेकोरेट करके. इस तरह ही हमारे काम भी आ जाते हैं. अभी मैं दूसरी पेंटिंग मुकम्मल कर इसके ऊपर शिमर यूज़ कर रही हूँ. मेरे पास एक छोटा जार था तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया. आपके घर में बड़े जार भी मौजूद होंगे, आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अब मैं थर्ड कलर यूज़ कर रही हूँ. आपकी मर्ज़ी है, आप एक कलर पूरी बॉटल पे यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहते हैं आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. अपने पेंट मुकम्मल करने के बाद हमें इसको ड्राई करने के लिए एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स वेट करना होगा. इसके ड्राई होने के बाद ही हम इसके ऊपर कोई दूसरा काम कर सकते हैं. जैसे कि आप देखें मेरी तीनों कलर्स मुकम्मल हो गए हैं. अब मैं इसको ड्राई करने के लिए रखूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए. ये देखिए अब ड्राई हो गया है. अब मैं इसको मज़ीद डेकोरेट करूँगी. मैंने इस बॉटल के ऊपर माउथ की तरफ लेस यूज़ कर ली थी, मेरे पास मौजूद थी तो मैंने इसको यूटिलाइज़ कर लिया. आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी. अगर आप पास घर में कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल हो तो जो एक्स्ट्रा हो तो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप देखें मैंने यहाँ पे फ्लावर्स कट करके रखे हैं. ये फॉर्मिक शीट के फ्लावर्स हैं. आप चाहे तो कपड़े के फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो रिबन फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं. एज़ यू विच, जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं. बट अगर किड्स यूज़ करें तो उनको चाहिए कि पहले वो अपना हैंड जो है वो इन पर सीधा करें, उसके बाद दूसरी चीज़ों पर लाएं. मेरे पास स्टिकिंग फॉर्मिंग शीट फ्लावर्स भी होते हैं लेकिन मैं फिर भी उनके पीछे ग्लू लगाती हूँ ताकि अगर हम इन फ्लावर्स को, इन फॉर्मिंग शीट्स को किसी बॉटल पर या किसी ऐसी चीज़ पर यूज़ करते हैं तो उस पर प्रॉपर तरीके से स्टिक नहीं होते, इसलिए इसके पीछे मैं ग्लू यूज़ करती हूँ ताकि ये प्रॉपर स्टिक रहे और ख़राब ना हो. आपकी मर्ज़ी, आप फ्लावर्स लगाना चाहें फ्लावर्स लगा लें या जो भी आपको अच्छा लगे कि आप उस पर लगा सकते हैं आप वो लगा लें. आप चाहें तो बड़े फ्लावर्स भी लगा सकते हैं. इनको प्रॉपर स्टिक करें ताकि अच्छे से बॉटल के साथ अटैच हो जाए. आप देख सकते हैं कि मैंने स्टिकिंग उतारने के बावजूद भी पीछे ग्लू लगाई है ताकि मेरे फ्लावर्स ना उतरे.
आपकी मर्ज़ी है, आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ट्यूब यूज़ करना ईजी लगता है इसलिए मैं ट्यूब यूज़ करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप ग्लू गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी बॉटल पे, पूरी बॉटल पे फ्लावर नहीं लगाए। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि ये ठीक लगेगी मैं उनको वहीं पर ही लगाऊंगी। आजकल बाज़ार में फ्लावर्स ऑलरेडी बने बनाए भी मिलते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ख़ुद ट्राई करें। अभी देखें कि मैंने फ़्लावर्स लगा दिए हैं बॉटल के सेंटर में और कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इनके साथ लीव्स लगाऊंगी। अब लीव्स मैंने ग्लिटर भी कट किए हैं और सिंपल भी, लेकिन मैं सिंपल यूज़ करूँगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप ग्लिटर यूज़ करना चाहें ग्लिटर यूज़ करें, सिंपल यूज़ करना चाहते हैं सिंपल यूज़ कर सकते हैं। मैं लीव्स भी पूरी बॉटल पे नहीं लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मुझे मुनासिब लगेगा मैं इसको वहीं पर लगाऊंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीस कट करके रखे हुए हैं दूसरी फॉर्मिक शीट कलर के। तो आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे कट करके यूज़ करना चाहते हैं आप उनको अपनी बॉटल पर यूज़ कर सकते हैं। किड्स जो हैं उनको ज़रूर घर में ट्राई करें बनाना। ताकि बच्चों का भी जो है वो इसमें इंटरेस्ट हो, वो अपने माइंड को क्रिएटिव कर सकें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बॉटल के नीचे जो है ये फॉर्मिक शीट स्ट्रिप मैंने कटिंग की है, मैं इसको लगाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ और भी लगा सकते हैं, बट मैं ये स्ट्रिप का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊँगी। आप अपने पेंट की फिनिशिंग को चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर है या नहीं। अब मैं बॉटल की जो है नीचे की साइड पे मैंने ग्लू लगा दी है। अब मैं यहाँ पर ये स्ट्रिप जो है वो स्टिक कर दूँगी। मैं अपने आगे मज़ीद वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी मज़ीद ऐसी जो एम्प्टी बॉटल्स होते हैं, एम्प्टी जार्स होते हैं, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इवन एम्प्टी टिन भी होते हैं, कैंस भी होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर की डेकोरेशन में। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी प्रॉपर लग जाएगी। अब मैं मज़ीद इस पर कुछ भी नहीं करूँगी। हमारा जो ये जार है ये कंप्लीट है बिल्कुल। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। अब आप चाहें तो इसमें फ्लावर्स भी डाल सकते हैं, फ्रेश फ्लावर्स भी आप लगा सकते हैं। चाहे तो